हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिदा इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन आपके साथ रखा था, जिसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जहां बात की गई थी गलवानी जी की, जिन्होंने बताया गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसको कहा जाता है वोल्टेक सेल भी, और साथ साथ हम लोग ने डिस्कस किया आपके साथ कुछ बेसिक टर्म्स को लेके, और वहीं से हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कुछ थर्मोडायनेमिक की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझते हुए हमने प्रोसीड किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। तो चलिए, अब आपको समझना है यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कंप्लीटली इस वाले सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन, एंड यस स्पेशली विद योर फेवरेट स्माइल। चलिए बिगिन करते हैं। अब सबसे पहले क्या सीखोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, तो पहले वर्ड को समझ लेते हैं। पोटेंशियल मतलब अगर हिंदी में मैं कहूं तो आप उसको बेसिकली कहते हैं विभव। ठीक है, पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी भी चीज को करने की, तो वही पोटेंशियल यहां पे मैडम इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है। अब इनको मैडम कह लो, सर कह लो, वो तुम्हारा मन है क्या कहना है, लेकिन ये एग्जैक्टली वही चीज रिलेट करता है, वही स्टैंड करता है। तो अब यहां पर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव। अब एक चीज कि ये है क्या, अगर इसको डिफाइन किया जाए इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, तो ये है क्या, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन जनरल एलिमेंट्स का टेंडेंसी है। किस चीज का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, या फिर आप कह सकते हैं लूज करने का। तो क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, इट इज सिंपली डिफाइंड एज द एलिमेंट्स टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। साथ साथ कब, व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयंस कॉजिंग इट टू बिकम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पहली चीज तो ये समझना है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात करोगे, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या फिर लूज हो रहे हैं, और साथ साथ वो अपने ही आयंस के साथ कॉन्टैक्ट में है या नहीं, और वो जो आयंस हैं उसकी वजह से आपको वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। ठीक है, आओ अब हम बात करें अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर डिपेंड करते हुए, क्योंकि आप पूरे सेल के अंदर दो ही चीजें देख रहे हैं कि कभी ऑक्सीडेशन हो रहा है कभी रिडक्शन हो रहा है, और दोनों साइमल्टेनियसली भी हो रहे हैं। तो अगर मैं इसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाऊं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेते हुए, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम हो किसकी वजह से रहा है, इन्हीं दोनों हाफ सेल रिएक्शन की वजह से। जो आप देख रहे हैं एनोड पे तो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, और जब देखने को मिल रही है कैथोड पे तो आपने कहा है रिडक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेसिक टर्म को क्या मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल नेम से भी जान सकते हैं, कहा जा सकता है, बिल्कुल। तो इस चीज को नोटिफाई करना है, क्योंकि एग्जामिनर जी कई बार इसी चीज को आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, और आप कहते हैं नहीं, हमने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था, वही पढ़ा था। तो एक ही चीज पे नहीं रहना है आपको, दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन पार्ट से। तो मैंने यहां पर सिंपल एक आयन ले लिया, सॉलिड स्टेट में है, यहां मैं कह रही हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। जब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इस रिएक्शन में देखो, अगर मैंने बेसिक एम लिया है, आप एक्स ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपने देखा मेटल है, मेटल ने जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है इसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्या बन गया, दोबारा से सॉलिड। तो इस तरीके से आपने दोनों साइमल्टेनियसली अकर होते देख लिए। अब इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, तो आप कहेंगे जो मैग्नीट्यूड और साइन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स का, वो इक्वल होता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट आई सेड, I repeated again, the magnitude and sign of the electrodes of oxidation and reduction potentials are equal. क्यों होता है इक्वल, क्योंकि E जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है कि क्यों इनकी वैल्यूज इक्वल होती है मैग्नीट्यूड और साइन की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बिहाफ पे। तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर E जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इसकी वैल्यू को आप ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात,
चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी। वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड अदर इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मैं यहां बना रही हूं। अब आपको इसके अंदर कौन कौन सी दो इलेक्ट्रोड्स के बेसिस पर बात करना है, वन इज एस एच ई जिसको आप कहते हैं शी, एंड शी इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां से जनरेट होगा। एंड अनादर इज कैलोमल, क्या मतलब है इस कैलोमल का, कैमल फैमिली का है क्या ये, नहीं, अभी डिस्कस करेंगे ये भी कि क्या है। तो दो पढ़नी है बेसिक। अब इन दो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बेसिक टर्म है वो समझ लो, वो मैंने क्या कहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया, अब उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब आप रख दोगे तो वो हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये कहने से ये चीज स्पेसिफाई नहीं हो जाती है, आपको वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो सुनिएगा बड़े गौर से, पहली चीज कि आप इसको डिनोट करते हैं ई नॉट से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, हाँ हिंदी में कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड क्षमता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे इट इज एन इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मैंने वही कहा कि जब हम पर्टिकुलर कंडीशंस दे रहे हैं, हमने फिक्स कर दिया है वहां पर उनका स्टैंडर्ड स्टेट, तो आप वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जनरेशन कहेंगे वही कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए अब क्या कंडीशंस हैं, तो सुनिए, पहली चीज कि आपको 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा हर आयन का सोल्यूशन के अंदर। What I said, I repeated again and listen it very carefully and note down in the notebook also कि आपको जो concentration लेना है वो 1 मोलर लेके चलना है, पहली condition, ठीक है। दूसरी condition क्या है कि जो आपका temperature range होगा that is 298 Kelvin। Standard के respect में बात की जा रही है तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके standard conditions set की हैं। थर्ड क्या है कि ईच गैस का जो प्रेशर है वो 1 bar ही होगा, या फिर आप इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 atmosphere भी ले सकते हैं। तो क्या 3 कंडीशंस कही मैंने शी के लिए, कौन है ये शी अपनी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर आप यहीं से कह रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का जनरेशन। तो शी कहती है कि मेरी कंडीशंस हैं 1 amp कॉन्सेंट्रेशन, अदर इज Temperature is 298 Kelvin, pressure 1 bar और 1 atmosphere, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं तीनों conditions को जो fulfill कर दे electrode वही जनाब हो जाते हैं SRP। अब SRK तो तुम सबको पता है, अब उस SRK में से मैंने K हटा दिया है और P लगा दिया है और stand भी दूसरा है, this is not शाहरुख, this is a standard reduction potential, बात समझ में आई। चलो अब यहां से एक चीज जनरेट हुई, जब आपने इतने सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करोगे, मेटल आयंस की आप बात करोगे, कैटायन एनायन का जनरेशन आप साथ साथ देखेंगे, और फिर आप कहेंगे कि भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ साथ कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों ही हाफ सेल रिएक्शन शो कर रही है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहां पोटेंशियल्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले ये समझिए, इट इज सिंपली हाफ सेल पोटेंशियल वैल्यूज, जो कि क्या होती है, पहली की कंडीशन तो है स्टैंडर्ड, और इनको रिप्रेजेंट भी एसआरपी के फॉर्म में किया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। साथ साथ इनकी जो वैल्यूज हैं वो टेबल में मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन आप देखेंगे कैटायंस के केस में और एनायंस के केस में वेरिएशन, तो वो जो सीरीज है उसका डिक्रीज और इंक्रीज ही जो है वो वाइस वर्सा हमेशा नहीं चलेगा। आपके दिमाग में सेट होता है कि अगर ऑक्सीडेशन पार्ट में ये हो रहा है तो रिडक्शन में जस्ट इसका रिवर्स होगा, नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम लोगों ने जनरेशन की। तो ये सीरीज क्या कह रही है, देखो ये जो आयंस मैंने लिखे हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, स्ट्रॉन्शियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
एच जी इज मर्करी, ए जी इज सिल्वर. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कैटायंस की टेंडेंसी है डिस्चार्ज करने की इलेक्ट्रॉन्स को, वो इंक्रीज हो रही है. सी व्हाट आई सेड, द टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन टू डिस्चार्ज इंक्रीजेस. लाइकवाइज इन द केस ऑफ एनायंस, आप एनायंस के केस में देखिए, मैंने लिया है फ्लोरीन सल्फेट NO3ClBrIOH. तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि एनायंस की टेंडेंसी क्या हो रही है, व्हाइल यू आर गोइंग डाउन इट इंक्रीजेस. तो ये सिंपल सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए कैटायन और एनायन के रिस्पेक्ट में. सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, कोई आपसे पूरी टेबल नहीं बनवाने वाला है ना लिखने वाला है, सिर्फ बेसिक लिंकिंग आपको पता होनी चाहिए. अब आओ यहाँ से, अब हम SHE और कैलोमल की तरफ पहुँचेंगे. उससे पहले आपको पहले एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए. वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन किसके रिस्पेक्ट में है, सेल पोटेंशियल. अभी तक हमने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हमने बात की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी आपको सुनना है सेल पोटेंशियल, या फिर आप कहते हैं जिसको EMF ऑफ अ सेल. नाउ व्हाट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, तो यहां मैं इसको मेंशन भी कर देती हूं, दिस इज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ अ सेल. ठीक है, नाउ व्हाट सेल पोटेंशियल इज, सिंपली व्हाट इट इज, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स. पहली चीज तो ये याद रखना है, क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो हाफ सेल्स का, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, उन दोनों का डिफरेंस है, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज क्या है, अगर कोई करंट वहां पर नहीं अप्लाई किया जा रहा है, सेल की तरफ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप उसको बेसिकली कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि यहां जो भी जनरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. देयर इज नो एक्सटर्नल करंट प्रोवाइडेड बाय द सेल. तो अगर मैं इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन लिखूं, तो क्या ये लिखा जा सकता है, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड प्लस ई एनोड, दोनों के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी. तो इस इक्वेशन से क्या देखा आपने, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. अब आओ, तो हमें पता है कि एनोड बाबा को तो आप हमेशा से लेफ्ट में लिखते आए हैं, यहीं से हमने जनरेट किया था लोन कैरेक्टर. ठीक है, अगर इसको हमने ये कहा तो आपके पास क्या रिएक्शन आता है, और कैथोड कहां पर थी, ये लो RRCP, मतलब राइट. तो आपके पास रिलेशन कुछ ऐसा आ जाता है, ई सेल इज इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट, कैथोड एनोड लिख लो या राइट लेफ्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, समझ में आना चाहिए बस. तो डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाता है, तो बहुत बार बेटा आपसे पूछा जा चुका है, तो इसको लिख लेना, याद कर लेना. डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी रिएक्शन आपकी, डेनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल बोल रहे थे, बताया था. तो देखो ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू कैथोड, और एनोड के रिस्पेक्ट में लिखी है हमने. तो कैथोड पे कौन था, कॉपर, एनोड पे कौन था, जिंक. ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें आपने शो की हैं, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ भी हमारे पास है. आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल में दी जाएगी, तो आपसे बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं करवाई जाएंगी ये वैल्यूज़, ये गिवन होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं. ये लीजिए, ऐसे ही आओ. अब यहाँ से आपको पढ़ना है सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन सेल का. अब आप रिप्रेजेंटेशन, तो मैंने प्रीवियस सेशन में भी सिखा दिया था कि जो बीच के पैरेलल बाल्स हैं, दोज़ आर सॉल्ट ब्रिज, एंड ये क्या है जो चेंज आपको देखने को मिला है. तो अगर सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की बात की जाए, तो आप कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद IOPAC रिकमेंडेशंस, द फॉलोइंग कन्वेंशंस और नोटेशंस आर सिंपली यूज्ड इन द सेल डायग्राम. और वो नोटेशंस क्या हैं, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं, लाइकवाइज जिंक. अब यहां से जिंक ने जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो किसमें चेंज हो जाएगा, Zn+2 में, +2 में रिलीज हुआ. आप साथ साथ आप कॉपर वाले में भी चेक कर रहे हैं, यानी कैथोड में भी रिएक्शन चेक कर रहे हैं. तो यहां पर कॉपर ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो ये हो जाएगा. और बीच का सेपरेशन आप किससे दिखा रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज से, जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, अगर अगर जेल उसमें फिल होता है, और किस लिए होता है, फिर से बता रही हूं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे इसलिए. चलो, तो अब देखो एनोड हाफ सेल की अगर बात की जाए, जिसे आप लेफ्ट में लिखते हैं और कैथोड को राइट में. दूसरी चीज कि मेटल जो है सेपरेट होगा एक्वस सॉल्यूशन से अपने ओन आयंस में एक सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा. देखो हमने दो लाइंस रिप्रेजेंट की हैं, सिंगल लाइन एंड डबल बार्स. तो
ये रिप्रेजेंटेशंस क्या बता रहे हैं ये चेक कीजिए. देखिए मैं इधर लिख देती हूँ, बड़ी गंदी लाइंस बनाई है मैंने, तो बेटर हम अच्छी बनाते हैं थोड़ी. वेट, तो देखो ये सिंगल लाइन क्या बता रही है. सिंगल लाइन बताती है कि मेटल सेपरेट हुआ है, मेटल सेपरेटेड कहां से, एक्वस सॉल्यूशन से ऑफ इट्स ओन आयन. हमने देखा Zn Zn प्लस टू में और कॉपर प्लस टू कॉपर में, तो ये तो कौन शो करता है, दिस सिंगल लाइन. और ये जो आपका डबल लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, सी दिस, ये आपका क्या बताते हैं, सॉल्ट ब्रिज. तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. तो देखो एनोडिक चैम्बर में हमने Zn वाला देखा, कैथोडिक में कॉपर वाला. आ जाओ और ये क्या बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज वर्टिकल लाइंस. आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ द करस्पॉन्डिंग आयन द मोलर कंसेंट्रेशन इज प्लेस्ड इन ब्रैकेट्स. हम लोगों ने जो ब्रैकेट्स में लिखी है वो क्या है, उनकी मोलर कंसेंट्रेशन. एग्जाम्पल देखो, अगर सेल की EMF वैल्यू रिटर्न करनी है आपको तो आप कैसे लिखेंगे. देखो ये Zn, ये Zn प्लस टू, ये हमने क्या लिखी है, यही है मोलर कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है, ये लो. तो आपके पास ओवरऑल EMF कितना है, प्लस 1.1 वोल्ट. आ जाओ, अब कहा जाता है अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो बिल्कुल याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि प्लैटिनम को अगर यूज़ किया जा रहा है सेल के कंस्ट्रक्शन में, तो इसको ब्रैकेट्स के अलॉन्ग साइड लिखा जाता है एज एन वर्किंग इलेक्ट्रोड. पहली चीज़ तो ये, साथ साथ अगर वहाँ पर जिंक एनोड को कपल किया जा रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, क्या कहा मैंने, जिंक इलेक्ट्रोड को जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करोगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा. देखो लिख के बताती हूँ क्या कह रही हूँ मैं, जब आप जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करोगे तो कैसे लिखोगे, Zn S कपल करना है, इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, हाइड्रोजन वाली H2. और आपने यहाँ पर अभी बोला कि जब कभी भी आप यहाँ पर प्लैटिनम वायर यूज़ कर रहे हो यानी कि प्लैटिनम, तो सॉलिड स्टेट में ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो. ठीक, आओ अब यहाँ सॉल्ट ब्रिज. अभी मैंने बताया सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है चार्ज बैलेंस को और कंप्लीट करता है सर्किट को बाय अलाउइंग आयंस टू फ्लो फ्रीली. इट कंटेन्स अ जेल कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज Ne2SO4 और KNO3. जेल कौन सा है, वो आगार. अगर तो अब दोनों चीज पता होनी चाहिए, जेल का नेम पूछ ले तो भी, और उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, Na2SO4 एंड KNO3. यही है जो आपके क्वेश्चंस बनाते हैं इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या पता चला, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू नेगेटिव आयन ट्रैवल कर रहे हैं एनोड की तरफ और पॉजिटिव कहां फ्लो कर रहे हैं, कैथोड, जिसकी वजह से चार्ज मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सेल की फंक्शनिंग भी देखने को मिल रही है. तो अब देखो ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको समझाया था गैल्वेनिक बाबा, तो देखो इस डायग्राम में समझो, ये मेरी जिंक वाली रॉड ZnSO4 का सोल्यूशन, यहाँ पर कॉपर का. तो जैसे ही आपने जब स्टार्टिंग कनेक्टिविटी थी, जिंक रॉड इसमें है ZnSO4 के सोल्यूशन में, यानी कि Zn इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देगा, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज शुरू किया, Zn+2 में चेंज हो गया. यहाँ आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में देखा कि Cu+2 आयंस है. जैसे ही यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट किया इधर थ्रू वोल्टमीटर एमीटर या फिर सिंपल इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू भी, तो आप यहाँ पर एक मैंने सिंपल बल्ब वाले फेज से बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ये कैथोड में जमना शुरू होता है कॉपर, तो आपने यहाँ पर क्या देखा था, सिंपल सा छोटा सा स्पार्क, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शनिंग या फिर वर्क या फिर जनरेशन. साथ साथ यहाँ पर मैंने ये सॉल्ट ब्रिज बताया था जिसके बीच में मैंने आपको बताया अगर अगर जेल से फिल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये लो. तो ये वही सारी चीज़ें, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, मूवमेंट ऑफ कैटायन, मूवमेंट ऑफ एनायन. सो ये पूरा की पूरा रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर अगर रिएक्शन पूछ ली जाए तो क्या होगी, Zn+CuSO4 गिव्स Zn+SO4+Cu. तो ये होल ओवर रिप्रेजेंटेशन है. अब आओ
अब स्पॉन्टेनिटी की बात की जाएगी तो स्पॉन्टेनिटी का तो फेमस ही एक ही जनाब है, वो है गिब्स। इन्होंने तो ठेका लिया है हर जगह की स्पॉन्टेनिटी का। तो ये कहते हैं कि जहाँ स्पॉन्टेनिटी टर्म आएगी वहाँ मैं आऊँगा, और जब मैं आ जाऊँगा तो मेरी कंडीशन पहले आती हो जाएगी डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने दिया जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो मैं स्पॉन्टेनियस नहीं होने दूंगा। तो स्पॉन्टेनिटी सुनते ही दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए गिब्स बाबा। गिब्स बाबा ने हमेशा से क्या कहा है सेल के रिस्पेक्ट में, डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू माइनस एनएफई। यही कहा। अब डेल्टा जी, क्योंकि ये तो कहते हैं स्पॉन्टेनियस तभी जब नेगेटिव होगा, तो ये लो नेगेटिव होना चाहिए, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। दो चीज बोल रही हूं, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो अब इन्होंने कहा अगर इसी को मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे अप्लाई कर दूं तो क्या करोगे। स्टैंडर्ड में क्या कर रहे थे, नॉट से रिलेट कर रहे थे, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। खत्म, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट लगा दो। डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव एंड सेल पोटेंशियल मस्ट बी पॉजिटिव। अब आओ अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात कर लें कुछ। पहली क्या है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। क्या कहती है, एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयंस इज डिप्ड इनटू अ मेटल रॉड प्लेट। पहली चीज, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू फेजेस दिस इलेक्ट्रोड कैन फंक्शन एज बोथ एज कैथोड एंड एनोड। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोड तुमने जब मेटल की ले ली, पहले ही नाम से दिख रहा है मेटल मेटल, तो क्या ही होगा, वही फंक्शन करेगी कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। एनोड पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज, कैथोड पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड। अब आओ इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, यानी कि अब चेक करेंगे अपनी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जैसे H2 Cl2 यूज़ की जाती हैं कंजक्शन विद देयर रिस्पेक्टिव आयंस। तो देखो H2 गैस फॉर एग्जांपल इज यूटिलाइज्ड इन कंजक्शन विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसी में पढ़ोगे SHE टू अवॉइड रिएक्टिंग विद द एसिड मेटल शुड बी इनर्ट। इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है यहाँ से कि अगर मान लो कि रिएक्शन हो जाती है एसिड के साथ तो क्या किया जाएगा उसको अवॉइड करने के लिए, मेटल जो लेना है वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट। तो सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लो, क्या किया है मैंने, एक चैम्बर है जिसके अंदर किसका सोल्यूशन है, यहाँ HCl एसिड ले रखा है, और ये मैंने एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस मैं पास करवा रही हूँ। साथ साथ यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, प्लैटिनम का वायर। ये वायर को आपने कनेक्ट किससे कर रखा है, कनेक्टिंग वायर किसी का भी ले लो, चलो कनेक्टिंग वायर है ये आपका, ठीक है। ये जो कनेक्टिंग वायर है आपने इसको यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, इस प्लैटिनम के एक टुकड़े के साथ जॉइन करा रखा है, क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम के साथ ही यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, इस प्लैटिनम, ये जो कनेक्टिंग वायर है इसको जब आपने इस प्लैटिनम के साथ कनेक्ट किया और ये HCl का सॉल्यूशन H2 गैस आपको दिख रही है इसका लिब्रेशन एंड पासेज, तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, कंडक्शन। इनके बीच में क्या हो रहा है, सॉरी कंजक्शन, ये लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, शी, और शी ने क्या कंडीशंस बताई थी, याद आया, टेम्परेचर 298, कंसंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 atm और बार कुछ भी कह लो जो तुम्हारा मन करे, ये शी की कंडीशंस है। चलो तो एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, तो आपने देखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड की तरह से पोटेंशियल्स बताने के लिए अदर इलेक्ट्रोड्स में। एज अ रेफरेंस इसका ओन पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो कंसंट्रेशन जो होती है HCl की इज़ यूज एज अ रेफरेंस इज 1 m, और इलेक्ट्रोड को आप क्या कहते हैं, शी, हु शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो नाउ नेक्स्ट इज मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड देखने, यानी धातु अघुलनशील नमक इलेक्ट्रोड, सॉल्ट इलेक्ट्रोड की बात की जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रोड्स को आप लेंगे, हम यहाँ पर सॉल्ट्स लेंगे बहुत सारे मेटल्स के जो स्परेंगली सोल्यूबल होंगे मेटल में इटसेल्फ, कंप्लीटली डिजॉल्व वाले नहीं लेने, स्परेंगली सोल्यूबल लेने हैं। तो यहाँ हम AgCl का
एजी के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो चलो मैंने माना कि अगर यहाँ पर कोई पोटेंशियल गैप है दो फेजेस के बीच में, तो आप रिएक्शन को कैसे देखेंगे? एजी सीएल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, एजी प्लस सीएल माइनस। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप मेट करते हैं तो आप क्या करेंगे, सिल्वर रॉड को डिप करेंगे सॉल्यूशन में। किसको? सिल्वर रॉड को AgCl के सॉल्यूशन में डिप कीजिए, जिसमें क्या होगा, AgCl होगा और Cl माइनस आयंस होंगे। इसका मेन मेजर एग्जांपल क्या होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, मरकरी कंबाइन की जाती है दो अदर फेजेस के साथ। देखो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिन पर बहुत बार पूछा गया। तो यहाँ पर क्या होता है, मरकरी को कंबाइन किया जाता है दो अदर फेजेस के साथ। कौन कौन सा फेज़ है? पहली चीज़ है कैलोमल का पेस्ट, क्या कहा जाता है, Hg2Cl2। बहुत बार पूछा गया है कैलोमल पेस्ट और Cl आयंस। आओ अब पहले इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन देखो। तो मैंने एक चैम्बर, अब नीचे क्या है, मरकरी भरा हुआ है, ये लो मेरा मरकरी का पार्ट, यहाँ से हमने मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। अब यह जो मरकरी है, बीच में मैंने लगा रखा है एक प्लैटिनम वायर, और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये सेक्शन, यही है आपका कैलोमल का पार्ट, कैलोमल पेस्ट। किस किस का होता है, Hg2Cl2 प्लस Hg, इसके पेस्ट को ही कहा जाता है कैलोमल पेस्ट, ठीक है। और ये आपको एक सॉल्ट ब्रिज दे रखा है साइड से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सैचुरेटेड KCl का सल्यूशन। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर, कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर जब आप इस तरीके की मिक्सिंग करते हैं, क्यों इसको नाम दिया गया कैलोमल, क्योंकि आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कैलोमल के पेस्ट को। आओ एनोड का रिएक्शन पार्ट, कैथोड का, वही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फेज में, वही हाफ सेल रिएक्शन। तो इस इलेक्ट्रोड का आप यूटिलाइज करते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात कर दी जाए तो क्या होगा, Hg2Cl2 और Cl- आयन, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट है, दो डिस्टिंक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, सेम मेटल के यूज़ किए जाएंगे सेम हाफ सेल में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये, क्या कहा है मैंने, टू डिस्टिंक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सेम मेटल्स आर यूज इन द सेम हाफ सेल इन दिस इलेक्ट्रोड्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन के ही Fe+2 और Fe+3, दोनों को डिजोल्व कर दो सेम कंटेनर में, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर परफॉर्म किया जाएगा प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड के थ्रू। दूसरी चीज़, रिएक्शन कैसे होगी, एनोड पार्ट पे क्या होगा, Fe+2 चेंज हो जाएगा Fe+3 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, और कैथोडिक पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी SRP के, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा SOP के, एंड SOP इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, वाइल इन द टर्म ऑफ रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इन्वर्सली टू SRP। So, आपने कहा मेटल जो है अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ जाके आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पार्ट को भी अच्छे से कवर कर लिया है होपफुली। अब मेरा कहना तुमसे यही होगा कि जो मैंने SHE पढ़ाई है, शी और कैलोमल पढ़ाई है, उन दोनों को याद रखना है, साथ साथ बेसिक फंक्शनिंग पता है, रिप्रेजेंटेशन हमें पता चल गई, कैथोड और एनोड का पार्ट पता चल गया है। अब तुमको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाओ जो मैंने बताया, उसको दो पेज में समराइज कर दो फटाफट। तब तक मैं लेके आती हूँ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि लिंकिंग पूरी थर्ड में आने वाली है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।